हेलो गाइस, दिस इज सुमंत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क ए सुपर ब्लॉग। सो सडनली इधर हम लोग घूमने आए थे और हमने सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लिया जाए। सो यही अभी हम लोग एक आकर्षक, मतलब क्या बोलते हो, कौन सा जगह जा रहे हैं बड़ी? हम लोग जा रहे हैं पहाड़ जा रहे हैं और यहाँ हमारे निवासी चला रहे हैं बाइक और पहाड़ जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ का सीन सीनरी कैसा रहता है। हाँ तो भाई साहब, यहाँ एक होल्ड ब्रेक है और यहाँ हमारे राजेश भैया, हाय, धीरज और Hi. हमारे तपन जी, हेलो, और यहाँ भी है कुछ राइडर्स। ये देखिए, पहला जो है हमारे दवासिस आरटीआर बॉय और हमारे जीजू, हेलो कर दीजिए आप। यहाँ पे बहुत सारा व्यूअर्स आपको देख रहा है। तो यहाँ से होल्ड है भाई और इसके बाद हम लोग उधर जाने वाले हैं ऊपर, और वहाँ से काफी अच्छा वहाँ सीन है और हमारे डायरेक्टर फिल्म मेकर मैं भी ब्लॉग ही बना रहा हूं। अच्छा अच्छा, सेम है, सेम है। तो इधर से जाएंगे अभी और फिर और अच्छा अच्छा आपको सीन देखने को मिलेगा। सो ट्यून फॉर दैट। भाई क्या घनघोर जंगल है यार। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा हमारे दोस्तों को बता देते हैं, ये सेकंड प्लेस है और यहाँ का सीन ऐसा है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, देखने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग। और इधर है हमारी शनायाज मैडम, शनाया मैडम काफ़ी गंदी हो गई है। सो फ्रेंड्स, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी खूबसूरती आप देख सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ आते हैं, झारखंड में भी कई सारी ऐसी जगह हैं, खास करके मैं मुसाबनी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ईस्ट सिंहभूम भी, सरायकेला का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। हमारे झारखंड में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खासियत है और पर्यटन को लेके सारी जगह जो है बहुत लाजवाब है। सरायकेला छौ अगर आप जानते हैं, सरायकेला छौ वर्ल्ड फेमस है, लड्डू लड्डू, सरायकेला का लड्डू वर्ल्ड फेमस है। और एक चीज सरायकेला के लड्डू की मैं बात करूँ ना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सरायकेला आऊंगा तो मैं बनाऊंगा वहाँ सरायकेला के लड्डू कैसे बनाते हैं। सरायकेला के लड्डू सरायकेला के अलावा कहीं नहीं मिलेगा भाई, सही में। और उसके जैसे टेस्ट भी, टेस्ट नहीं आता है। और बहुत जगह लोगों ने ट्राई किया कि इस मिठाई को अलग जगह बनाया जाए, बना ही नहीं, बनता ही नहीं। सरायकेला के आसपास सराउंडिंग, सरायकेला में ही प्रॉपर वो टेस्ट आता है, उसके अलावा अगर आप 5 किलोमीटर चले जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पता नहीं क्या है, तो है अच्छा लग रहा है। अब देखिए सारे यही है, यहाँ पे नौटंकी चल रहा है और इसके बाद और आगे जाएंगे, और आगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब फॉगी फॉगी टाइप का है, तो उधर दिखाएंगे आपको और भी जगह अच्छा है। पर जब यहाँ आ ही गए हैं तो भाई साहब ऑब्वियसली वीडियो जबरदस्त है, और अगर अच्छा लग रहा है तो बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, आप लोग खुद समझदार हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। यहाँ का जो चढ़ाई है ये बहुत जबरदस्त चढ़ाई है। Thank you.
हियर बॉय, और दिस इज आवर सेकंड डेस्टिनेशन। अब ज्यादा डिचिक डिचिक करेंगे, कई शर्मिला बच्चा यार, गजब। हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, धीरे से नहीं बाबा ऐसे करके पार हो जाते हैं। क्या रीजन होगा ब्लॉग करके नहीं, मतलब ब्लॉग करके नहीं करके क्या होगा, ये चुपचाप भाग जाते हैं यार। हम लोग इधर मस्ती मजाक नौटंकी करने आए हुए हैं, कोई नहीं झेल सकते था थोड़ा। भैया जी औसम औसम साहब लास्ट हो गया यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम लोग सबको रुके हैं। राइस भैया यहाँ रास्ता खत्म हो गई, रास्ता खत्म हो गई, और यहाँ से अब एक दिखा देते हैं पूरा रोड खत्म हो जा रहा है। देखिए ये है एंड, और आप देख सकते हैं कि भाई पहाड़ के पूरा बीचों बीच है। देखिए उधर घर भी है, घर यहाँ पे आदमी रहते भी है जबरदस्त। तो अब रिटर्न चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे इस जगह का नाम पुटूर, पुटूर। अच्छा मैंने नाम सुना था इस जगह का, पुटूर नाम है, पुटूर। बहुत जबरदस्त जगह, बहुत सुंदर जगह है। क्या मस्त दिख रहा है यार, जबरदस्त। अच्छा हम आए हैं, वो जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ के दो पहाड़ है। अच्छा। इसका पैरेलल ये पहाड़ है, उसके बाद और एक पहाड़ है। हाँ। हम दो पहाड़ को पार करके यहाँ तक आए हैं। हाँ। तो अभी जब हम जाएंगे मैं शूट करूंगा, इतना चढ़ाई है मुझे लगता है 45 डिग्री एंगल, पूरा 45 डिग्री एंगल में चढ़ाई, मतलब इतना चढ़ाई, अब डर लग रहा है कि चढ़े कैसे हो जाएगा। सेकंड गियर में गाड़ी चढ़ रही है आराम से, गाड़ी एकदम जबरदस्त है तो चढ़ जाएगी। तो हम यहाँ से निकलते हैं। सो यही एंड कर दे वीडियो, नहीं वीडियो एंड अभी नहीं, एंड नहीं होगा अभी, और अभी जाते समय हम और भी आपको दिखाएंगे, कुछ फोटोज लेंगे, स्टिल फोटोज भी लेंगे, और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। सो चलिए चलते हैं। एक्साइटिंग जगह थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम नेचुरल ब्यूटी देखने को मिला ना, क्या भैया? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पीछे हमारे ये एक पहाड़ है, ठीक यहाँ सामने एक पहाड़ है, और ये इस तरह से जॉइन है, उसके बाद फिर उसके पीछे भी पहाड़ है। अभी हम लगभग 3-4 किलोमीटर हम लोग आगे गए थे, पुटूर जगह का नाम है, वहाँ भी गए थे, उधर भी ऐसे ही पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। अभी हमें ये पहाड़ क्रॉस करना है, ये देखिए इसकी ऊंचाई देखिए, ये पूरा हाइट है, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये ढलाई रोड है। हाँ, तो यहाँ चीज एक चीज हम देखे कि भाई साहब मतलब रोड बहुत अच्छा है, बताइए इस तरह का जगह समय भी कैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। बिल्कुल, पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, और मैं जो भी बाहर के लोग देख रहे हैं, चाहे सुपर सुमंत सुमंत के चैनल में हो या फिर मेरे सफरनामा में, हाँ।
आप एक बार झारखंड जरूर आए, जरूर आइए। हाँ हाँ। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। Definitely. अगर आप यू नो नेचर से आपको लगाव है तो आप इन सभी जगहों पर आइए। मैं हूँ, और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो www.jhartrip.com आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इनका वेबसाइट है। सो वहाँ आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और अगर आप ये सब में मतलब पिकनिक स्पॉट टाइप का, और अगर आप कुछ मतलब इवेंट है ना वो मतलब टेंट नाइट, अगर आप एडवेंचर कैंप करना चाहते हैं तो झार ट्रिप में अवेलेबल है। आप वहाँ भी जाकर कर सकते हैं। झारखंड में भी अब सारी चीजें शुरू हो गई हैं। सो चलते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग गाइस, बाय।